नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। दो बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में कोयले की बड़ी कमी है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 45 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास कोयले की कमी है, क्योंकि कोयले का उत्पादन घटा है, इस वजह से ये कमी हो रही है। 45 देश में ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं है, और इस वजह से कोयले की कमी की वजह से ही बिजली के तमाम संकट भी पैदा हो रहे हैं। खुद बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि देश में कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, सुनिए। इट इज अ फैक्ट के कोयले की कमी एनटीपीसी के कई स्टेशन और कई राज्यों के भी अलग अलग स्टेशन पे है, पर उसकी वास्तव स्थिति यह है कि गत 5 वर्षों में कोयले का प्रोडक्शन उत्पादन less than 2% ग्रोथ रहा है हर वर्ष। जो कोयले का उत्पादन इस देश में 2008-09 में 492 मिलियन टन था, वो 2013-14 में बढ़ के सिर्फ 565 मिलियन टन हुआ है। ये छोटी सी ग्रोथ 73 मिलियन टन बताती है कि हर वर्ष का CAGR देखे तो 2% के करीब आता है। ऐसी गंभीर स्थिति के कारण भी देश के सामने है, चाहे वो 2009 में लाई गई गो नो गो की पॉलिसी हो, जिसके कारण कई कोयले की खानों में प्रोडक्शन भी कम हो गई और कई खाने जो खुलनी चाहिए थी वो खुल नहीं पाई। बहुत हाहाकार मचने के बाद गो नो गो को 2012 में विड्रॉ किया गया, लेकिन 2012 में इनवायलेट एरियाज को ले आए गए। इनवायलेट एरियाज 2012 में 7 स्थानों पे लगाया गया, 7 कोल बेरिंग माइंस में, जिससे 44 माइंस अफेक्ट हुई, और लगभग आज जो 40 मिलियन टन कोयला और बढ़ सकता था, आज इस देश में वो नहीं है उत्पादन। हमने जब सरकार ली तब भी 3 कोल बेरिंग एरियाज में, सिंगरौली, झारसुगुड़ा और चंद्रपुर, सेपी की जानकारी है। सेपी 2012 में लाया गया और सेपी की वजह से 2010 में लाया गया, 2010 से अभी तक सेपी की वजह से 40 मिलियन टन जो कोयला का प्रोडक्शन हो सकता था वो नहीं हो रहा है। तो बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, खुद बिजली मंत्री कह रहे हैं कि 45 पावर प्लांट के पास कोयले की बहुत ज्यादा कमी है, यानी कि बिजली संकट और ज्यादा अब गहरा सकता है। देखिए तानिया, साफ तौर पर ये देश के कई बिजली घरों पर संकट आने वाला है, ये स्वीकार किया है ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने। सीधे तौर पर कहा कि जो पिछले सरकार की जो नीतियां हैं और जो उत्पादन होना चाहिए था कोयला का, उसमें गिरावट दर्ज की गई और उस सरकार ने उस समय कोई भी फैसला नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन कई बिजली घर हैं जिनमें कोयले 1 और 2 दिनों के बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जहां कोयला कंपनियों से ये करेंगे, उपाय करेंगे कि उनके पास कोयला पहुंचे। लेकिन ये राकेश, इस संकट से निपटा कैसे जाएगा, क्या तरीके अब इस संकट से निपटने की कि बिजली संकट गहराए ना? देखिए, बिजली संकट दूर करने के लिए उनका साफ तौर पे कहना था कि वो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और कोयला कंपनियों से बात करेंगे, ताकि जो है बिजली उनकी जो उत्पादन है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन संकट बरकरार है। बिल्कुल, संकट बरकरार है और संकट गहराता जा रहा है हर दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ। राकेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।